तो गोग्रो कंपनी अपना एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में लॉन्च करने वाली है। टीवीएस आईक्यूब एसटी कब लॉन्च होगी? टेस्ला कंपनी फिर से इंडियन गवर्नमेंट को काफी बड़ा लालच दे रही है और ओला S1 प्रो जेन 2 कस्टमर के साथ में काफी बड़ा धोखा हुआ है। तो इसी तरीके की कुछ धमाकेदार अपडेट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और इस हफ्ते के जितने भी ईवी से रिलेटेड आपके पूछे गए सवाल थे उनका भी हम आंसर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले न्यूज अपडेट की बात कर लेते हैं। तो ओरा इंजीनियर ने अपने पहले इलेक्ट्रिक बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मेंटिस ओरा। इसमें हमें 20.5 किलोवाट की मोटर मिलती है, पीक टॉर्क यहां पर 93 न्यूटन मीटर का है और मैक्सिमम स्पीड यहां पर 135 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं इस बाइक में 6 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देखने को मिलता है जिससे कि यह बाइक 221 किलोमीटर की आईडीसी रेंज निकालकर दे देगी। इस बाइक को कंपनी ने 3.60 लाख रुपए में लॉन्च किया है जिसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे दोस्तों इस कंपनी को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, इस बाइक का लॉन्च का ना मुझे काफी ज्यादा इंतजार था क्योंकि इसका डिजाइन है ना वो भाई जबरदस्त है, बट जिस तरीके की कंपनी ने यहाँ पर इसकी प्राइस रखी है ना 3.60 लाख रुपीस वो काफी ज्यादा ओवर है क्योंकि इसके अदर फीचर को देखा जाए, इसकी रेंज को देखा जाए तो भाई इसकी जो प्राइस है ना वो जस्टिफाई नहीं कर रही। वहीं अगर आप अल्ट्रावायलेट कंपनी को देखेंगे ना तो वहां पर आपको काफी प्रीमियम फीचर देखने को मिलते हैं, काफी प्रीमियम वो बाइक भी लगती है, बट यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ओरा मेंटिस ने ना थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंट कर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, एथर 450X बनाने वाली फैक्ट्री को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं जो कि होसोर बेंगलोर की फैक्ट्री है। वहीं एथर एनर्जी के सीईओ तरुण मेहता जी ने भी अपनी फैमिली स्कूटर के बारे में भी अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है अगेन एथर एनर्जी कंपनी की तरफ से जिसमें कि हमें एक डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा। हालांकि इस स्कूटर में क्या कुछ फीचर होने वाला है और इसके अलावा कुछ कुछ डिटेल सामने आ गई है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट करना, लिंक आपको ऊपर कार्ड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं ओला S1 प्रो जेन 2 स्कूटर की मोटर पर क्योंकि यहां पर जो इसका लॉन्च इवेंट हुआ था ना 15 अगस्त 2023 में, उसमें यहां पर काफी कुछ चीजें यहां पर चेंज कर दी, इसकी चेसी वायरिंग से लेकर मोटर को भी चेंज कर दिया था। यानी कि पहले आपको मोटर से अलग MCU देखने को मिलता था बट अब यहां पर मोटर में ही MCU इसका फिट किया गया है जो कि नए जेन 2 स्कूटर को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि इसका जो MCU है ना वो राइट की बजाय यहां पर लेफ्ट में फिट कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये सब बातें ठीक है बट यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इनका जेन 2 वाला पूरा वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिलेगा कि ये नई मोटर क्वार्टर 4 में देखने को मिलेगी, यानी कि 2023 के क्वार्टर 4 में जो कि ऑलरेडी अभी चल रहा है, यानी कि नवंबर दिसंबर क्वार्टर 4 भी यहां पर खत्म होने वाला है जिसमें कि अगेन अभी तक हमें किसी भी जेन 2 प्रो में नई मोटर का यूज देखने को नहीं मिला, यानी कि अभी भी कंपनी नई मोटर को लगाकर नहीं दे रही है किसी भी कस्टमर को। हालांकि यहां पर अगर अभी किसी की डिलीवरी होने वाली है नेक्स्ट मंथ में जेन 2 प्रो की तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना अगर आपके स्कूटर में नई मोटर लगाकर कंपनी ने दी है या नहीं दी। वैसे दोस्तों ओला कंपनी ऑलरेडी पहले से हर वक्त लेट ही होती है, जब भी वो कोई अनाउंसमेंट करती है या फिर कोई फीचर देती है तो वो उसको काफी ज्यादा लेट प्रोड्यूस करती है सभी को। तो यहां पर इसका जो जेन 2 वाली मोटर है ना ये भी आपको लेट ही देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर क्वार्टर 4 में बोला गया था तो अक्टूबर से हालांकि स्टार्ट हो जाना चाहिए था जो कि अभी भी नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों ओला S1 प्रो जेन 2 में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है जो कि मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था और अब एक और काफी बड़ी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि स्कूटर नीचे गिरा हुआ है फिर भी ये चल रहा है, तो यहां पर इसमें और कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं तो ये बंद भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की काफी प्रॉब्लम जेन 2 कस्टमर के साथ में हो रही है, तो यहां पर कंपनी को जरूर से ध्यान देना चाहिए भाई, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट दोस्तों, गोग्रो कंपनी एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है जो कि क्रॉसओवर मॉडल होगा। इस मॉडल में कंपनी अगेन अपने बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का यूज करेगी और अगेन ये स्कूटर भी आपको पब्लिक के लिए देखने को नहीं मिलेगा, इसको भी कंपनी B2B में यूज करने वाली है, यानी कि जीप इलेक्ट्रिक के साथ में ये डिलीवरी पार्टनर को ही दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, टेस्ला कंपनी इंडिया में आने के लिए $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है जिससे कि इंडिया में टेस्ला कार को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जी हां दोस्तों, $2 मिलियन काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है बट उससे पहले यहां पर इन्होंने कुछ कुछ शर्तें रखी है इंडियन गवर्नमेंट के सामने। फर्स्ट तो उनको इस जो फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं इसके लिए थोड़ा टाइम दिया जाए क्योंकि एकदम से फैक्ट्री अभी सेटअप नहीं करेंगे, इसके लिए इनको कम से कम 2-3 साल का टाइम लगने वाला है। सेकंड, जब तक ये फैक्ट्री रेडी होकर तैयार होगी उससे पहले इनको बाहर से इंपोर्ट करके कार को यहां पर सेल करने दिया जाए जो कि 12,000 कार ये सेल करने वाले हैं अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने से पहले। थर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, यानी कि इसको घटाकर 10 या 15% कर देना चाहिए जो कि अभी के टाइम पर 100% है। तो कुल मिलाकर यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल बनाए हुए हैं ना इंपोर्ट ड्यूटी पर
वो इनको चेंज करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल ही सभी के लिए चेंज करवाना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये टेस्ला कंपनी फोर्स कर रही है इंडियन गवर्नमेंट को। बाकी देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इतने बड़े लालच में फंसती है या फिर अपने रूल्स को चेंज करती है। तो अभी आगे पता चल ही जाएगा कुछ टाइम में कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है टेस्ला कंपनी के साथ में। नाउ अब आ जाते हैं आपके पूछे गए सवालों पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर ओला की चार्जिंग प्लग डायरेक्ट लगाना है ना कि किसी और वायर अटैच करके, भी बहुत सारे इशू आ रहे हैं मुझे ओला के एक्सपीरियंस सेंटर में मैकेनिक ने बताया था। तो यहाँ पर भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी सारे इशू यहाँ पर ओला के जो चार्जिंग से रिलेटेड होते हैं ना, वो अलग से आप इसमें अटैचमेंट लगा देते हैं या फिर आपके अर्थिंग नहीं हो रखी होती है घर में, और उससे आपके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है और फिर आपके स्कूटर में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है इसको जरूर से आप ठीक करें। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट ले लेते हैं, भाई क्या कुछ करके ओला स्कूटर में फोब की लगवा सकते हैं क्या, प्लीज बताओ, आई वॉन्ट टू फोब की इन ओला S1 Pro। तो भाई फोब की का ऑप्शन अगर मिल जाता है ना, तो काफी सारे लोग हैं जो कि फोब की का यूज करने वाले हैं, क्योंकि भाई ये पासवर्ड डालने वाला पंगा ना किसी की भी समझ नहीं आता, काफी ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है और यहाँ पर सिक्योर भी नहीं है क्योंकि सभी स्कूटर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके की अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें एक फोब की मिलती है, बटन दबाकर वो स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, ये जुगाड़ सिर्फ ओला कंपनी ही कर सकती है, क्योंकि उनको अपना स्कूटर में कुछ ना कुछ ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करके एक अलग से रिमोट बनाना पड़ेगा। तो ये अगर एसेसरीज में कंपनी ने लॉन्च कर दे तो मेरे अकॉर्डिंग काफी सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट लेते हैं, जिनके जिनके जेन 2 में एमसीयू अलग से लगा हुआ है उनको पुराना मोटर ही मिला है, जानने के लिए रियर टायर के पास लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, जेन 1 में राइट साइड में आता है। तो बिल्कुल सही है भाई, जेन 2 में यहाँ पर लेफ्ट साइड में एमसीयू लगा दिया है, जबकि जेन 1 में हमें राइट साइड में ही देखने को मिलता था। तो यहाँ पर जेन 2 में हमें चेसिस चेंज देखने को मिली है, बैटरी में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट किए हैं और यहाँ पर मोटर आपको वही सेम पुराने वाली देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट लेते हैं, पैसे बढ़ाने थे इसलिए जेन 2 का ड्रामा किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेन 2 वालों के साथ ही में यहाँ पर धोखा ही हुआ है, क्योंकि इनको पेमेंट में यहाँ पर ज्यादा करनी पड़ रही है जेन 1 के अकॉर्डिंग, और इसमें कुछ खास चेंज देखने को हमें नहीं मिल रहा। मेन यहाँ पर मोटर का चेंज बिल्कुल भी नहीं है, मोटर थोड़े इंप्रूव करके जरूर से दी है, बट यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। बाकी अब देखना ये होगा कि जो नई मोटर लगाकर ये देंगे उसकी प्राइस क्या रखेंगे कंपनी, क्या ये उसी प्राइस में अभी सेल करेगी जिसमें कि जेन 2 अभी सेल किया जा रहा है, या फिर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट लेते हैं, रिवोल्ट NX100 स्कूटी कब आएगी और कब मिलेगी। तो भाई रिवोल्ट NX100 काफी ज्यादा अपडेट कर रही है अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर, तो ये काफी जल्दी डिलीवरी स्टार्ट करने वाले हैं, 2024 तक इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट लेते हैं, टीवीएस आईक्यूब एसटी कब लॉन्च होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई ये स्कूटी मुझे नहीं लगता कि इस साल आपको देखने को मिलेगी, नेक्स्ट ईयर के एंड तक देखते हैं कि शायद से देखने को मिले, क्योंकि कंपनी टीवीएस आईक्यूब एसटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट लेते हैं, सॉफ्टवेयर ओला की तरह अपडेट देना चाहिए। तो ये एथर एनर्जी के लिए बोल रहे हैं, एथर एनर्जी में इस तरीके के अपडेट नहीं मिलते, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एथर एनर्जी का जो सॉफ्टवेयर ना वो भाई अभी तक का सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, उस जैसा सॉफ्टवेयर आपको किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर इवन दो अभी जो जो भी नए फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं ना ओला स्कूटर में, यानी कि राइड स्टेट वगैरह आप चेक कर सकते हैं, व्हीकल स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, ये सब फीचर ना आपको एथर एनर्जी बहुत टाइम पहले से, यानी कि पिछले 2 साल से ऑलरेडी दे रही है। उसी वीडियो पर एक और कमेंट आता है, एथर एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, आई थिंक वर्ल्ड कि सबसे बेस्ट क्वालिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, खराब बात यह है कि इसका माइलेज थोड़ा कम है, मुझे कम से कम 120 किलोमीटर चाहिए। बात तो सही है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि एथर की यहाँ पर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ, इनकी सर्विस वगैरह सब कुछ बढ़िया है, बट यहाँ पर अगर इनकी रेंज बढ़ जाए ना तो भाई का क्या ही गजब हो जाएगा, और वहीं पर अगर रेंज बढ़ा देंगे ना तो भाई इनकी जो प्राइस है वो 2 लाख से ऊपर चली जाएगी। तो ये थे दोस्तों इस हफ्ते के आपके पूछे गए ईवी से रिलेटेड सवाल और हमारे कुछ ईवी अपडेट। होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर से अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड सेफ बाय।